Hello students, so this is a 1750. ये हमारा क्वेश्चन है. What must be added? इसमें क्या ऐड किया जाए? It become a perfect square. इसमें हम क्या ऐड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो हम सबसे पहले इसको डिवीजन मेथड से यहां हम देखते हैं. दिस इज डिवीजन मेथड 1750 पे बनाएंगे ऐसा. अब हमारे पास जो स्टार्टिंग हमारी जो हो रही है इसकी वो 17 से. तो 17 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 ज्यादा हो गया. हम 4 बार ले जाएंगे. तो यहां हमारे पास हो गया 4. दिस इज 4 4 4 16 हियर 1. ऊपर से हमें 50 मिला 4. यहां हमारे पास हो गया 8. अब हम इसमें देखते हैं बच्चों कि ये कितनी बार जाएगा. 2 लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा. तो हम पहले 1 ही लिखते हैं. यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे. तो ये हो गया 81. इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 69. अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया? 69 है. तो यहाँ पर हो गया कि ये हमारे पास ये 41 है. ठीक है. और इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. अब ये 41 है, तो 41 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा? तो 41 के जस्ट बाद जो है हमारे पास क्या होना चाहिए? तो यहां देखिए 41 के जस्ट बाद नंबर हो गया 42 का स्क्वायर. तो पहले 42 का स्क्वायर हम करेंगे, 42 में 42 का मल्टीप्लाई करें. ठीक है. 2 2 4 2 4 8 4 2 8 4 4 16 दैट इज इक्वल टू 4 8 8 16 1 1764. अब हमें जो है ये जो 1750 था इसे बनाना है हमें 1764. तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं. 1764 में से 1750 को हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करते हैं. ये कितना आ गया? 440. अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली बात है, अगर ये जो है हमारा 14 इसमें ज्यादा होता, अगर हमारा इसमें 14 ज्यादा होता, यहां लिखेंगे इफ वी ऐड 14 इन 1750 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. और द स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 41 है, क्या हो जाएगा? 42 का ये स्क्वायर. यानी हमारे पास कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 14 को ऐड कर देता हूं तो ये जो है हमारा 42 का स्क्वायर हो जाए. तो इस तरह से पहले हमें पहचानना है और इसके क्वेश्चंस को हमें आगे बढ़ाना है. अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं. थर्ड वर्क इज ये है थर्ड. अब थर्ड को भी अच्छे से समझिएगा बच्चों. लिखा है 252. नंबर क्या है? 252. तो ये जो हमारे पास 252 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसके लिए सबसे पहला काम डिवीजन मेथड को हम परफॉर्म करते हैं. 252 ये हमारे पास बन गया पेयर. अब 2 है यहाँ पे, तो 1 1 1 2 2 जा 4 ज्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा? 1. यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, ये हो गया 1. तो यहाँ 1 हो गया, ऊपर से 52 हमारा उतर गया, यहाँ हमारे पास हो गया 2. अब हम इसमें कितनी बार ले जाएंगे? तो 152 है, हम अधिकतम जो है इसमें जो है 5 लिखते हैं. चेक कर लेते हैं, 25 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 125 चला जाएगा. यहाँ हम लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5, 125 that is equal to 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 4 में से 2 गया 27. नंबर कितना बचा? 27 बचा. अब ये किसका स्क्वायर है? 15 है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 16 के 15 के जस्ट बाद क्या होगा? 16. तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर 16 का स्क्वायर बनाना है. 15 है, कुछ ऐड करेंगे तो जस्ट हमारा जो है अगले बाद वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ 16 है, 16 का स्क्वायर 6 6 36 3 12 1
256, तो 256 है और यहां पर हमारे पास ये जो है, तो 256 में से हम जो है 252 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। यहां भी हम लिखेंगे इफ वी एड 4 इन 252 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा 16। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा 16 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है और मैंने जो है इसे आपको यहां पर बताया। एक और इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसमें और पार्ट दिया गया है उसको भी हम करेंगे, द फोर्थ पार्ट, द फोर्थ वन इज, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उसको भी समझो। बच्चों आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, जब नहीं आएगा तो आप बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। वो है 1825। अब इसे हमें चेक करना है इसमें क्या ऐड करें कि ये जो है इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, 1825 में हम ऐसे पेयर बनाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 18 है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 ज्यादा हो गया, हम यहाँ लिखेंगे 4 बार 4 4 जा 16, ये कितना हो गया यहाँ पर 2, ऊपर से क्या उतरा 25, 4 4 क्या हो गया ये 8, ठीक है। अब हमारे पास 8 2 जा 16, 8 3 जा हम करेंगे तो 24 ज्यादा हो जाएगा, तो हम जो है 2 बार देखते हैं, 82 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 164, यहाँ 2 बार जाएगा 2 लिख देंगे, ये हमारा 164 माइनस करेंगे 1 हो गया, 12 में से 6 गया यहाँ पर 6, तो 61 बचा रिमेंडर। अब ये जो है 61 ज्यादा है, 42 का ये स्क्वायर बन रहा से ज्यादा है, तो हमें अगला जो बनेगा वो कितना होगा 43 का स्क्वायर होगा, तो हमको जोड़ेंगे तो 43 का स्क्वायर बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 43 में 43 का मल्टीप्लाई करिए, 43 into 43, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 16, 170, तो ये हमारे पास जो है ये हो गया 9481849, तो हमें बनाना है 1849, तो क्या ऐड किया जाए, सो 1849 में से 1825 को माइनस कर दिया जाए, तो ये हो गया 424। अब वो नंबर क्या होगा, 24 होगा, यदि मैं इसमें 24 ऐड करूंगा इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ वी ऐड 24 इन 1825 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 43, तो वो हमारा जो है जो जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा 43 बन जाएगा। तो ऐसे हमने जो है 3 क्वेश्चंस को हमने आपके सामने यहां पर देखा है, तो ये देखा कि हमारे पास इन प्रॉब्लम्स में यानी हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है What must be multiplied? It become a perfect square. What must be divided? It become a perfect square. What must be subtracted from this number? It become a perfect square. What must be added to this number? It become a perfect square. यानी क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि परफेक्ट हो जाए, क्या डिवाइड कर दिया जाए कि परफेक्ट हो जाए, क्या हम उसमें ऐड कर दें कि परफेक्ट हो जाए, और क्या हम जो है उसमें सबट्रैक्ट कर दें कि वो परफेक्ट हो जाए। ये 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स थे, चारों को मैंने आपको विधिवत सिखाया, ठीक है। और मैंने जो है क्वेश्चन भी आपको जो है दिए हैं, असाइनमेंट भी मैं चेक करूंगा, अभी असाइनमेंट भी मैंने भेज रखा है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ मैं अनम्यूट करता हूँ, इन क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यस बोलिए बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर ये फोर्थ वाला वापस से बता दो। फोर्थ वाला वापस से बता दूंगा, ठीक है। और स्कूल कब खुलेंगे? इस चैप्टर बच्चों, इस चैप्टर, इस आपके जो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन बताया है, इस पूरे फिफ्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नो सर यस सर ओके तो मैं एक बार भैया फोर्थ क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं और मैं इसे जो है बता दे रहा हूं दोबारा से। तो आइए देखते हैं हम इसमें, ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1825 में क्या ऐड कर दे कि ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमने पहले इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला तो रिमाइंडर तो 61 बचा लेकिन यहाँ पर ये 42 बन रहा है, यानी 41 से स्क्वायर से ही कुछ ज्यादा है, 61 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर दें, तो इसमें क्या हम ऐड करें, तो 42 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 42 के जस्ट बाद आता है 43। तो हम देखें कि ऐड करके हमें बनाना क्या है, तो 43 का हमने स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब ये है हमारा 1825 और 1849, हमें 1849 बनाना है। तो इसमें से क्या माइनस, यानी क्या हम इसमें जोड़ेंगे, तो 1849 में से 1825 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। अगर इतना नंबर हम इसमें जोड़ दें तो ये भी हमारा 1849 बन जाएगा और हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने बढ़िया से ध्यान से इसे समझा होगा उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो लोग थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, तो उनको निश्चित प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उनको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां पर आपके पास जो दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर की एरिया दी गई, एक स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441, ये हमारा मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, अब हम जानते हैं स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर का शेप बिल्कुल ऑल साइड आर स्क्वायर आर इक्वल, ये जो है हमारे पास ए है, बी है, सी डी, इन सभी की साइड ए है, ए है, ए ए, तो एरिया क्या होती है स्क्वायर की, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है और एरिया कितनी दी गई है 441, एरिया हमें दी गई है 441 दिया गया। अब हमें जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो ए की यानी हमें साइड पूछा गया है, साइड ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 441। अब 441 हमारा दिया गया है, हम इसको चेक करते हैं, इसको डिवीजन मेथड पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये है 441, यहां पर ये है 2, 2 जा 4, ये हो गया 0, ऊपर से 41 आया, 2, 2 यहाँ पर 4, हम 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ हो गया 41 डिवाइडेड 0 स्क्वायर, यानी कि साइड A इज इक्वल टू 21 मीटर, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, 21 मीटर होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है, सिंपल, स्क्वायर रूट हमें निकालना है, स्क्वायर रूट हमें निकालना आपको सिखा रखा है, आपको क्योंकि डिवीजन मेथड अभी पढ़ा रहा हूं मैं, और डिवीजन मेथड ही मैं मैक्सिमम यूज कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने जो है एक बार, पिछली बार जो है मैंने एक बार गलती से इस चैप्टर को शुरू कर दिया था एक्सरसाइज को, तो मैंने इसे बताया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं दोबारा बता, ताकि जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, हियर इन द क्वेश्चन लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, दिस इज द बी, दिस पॉइंट इज ए बी और दिस पॉइंट इज सी, दिस इज द 90 डिग्री। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट पोर्शन में कहा गया है कि फॉर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
हियर बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और वी हैव टू फाइंड द एसी, हमें एसी को निकालना है, एसी की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालते हैं इसे ध्यान सुनिएगा बच्चों, हम यहां पर यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यानी कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका एबी स्क्वायर प्लस ये हो गया बीसी का स्क्वायर। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बताया था कि जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दो से दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। अब हम इसमें सबकी वैल्यू को भरते हैं, देखिए यहां हो गया हमारे पास जो है एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी कितना है 6 का स्क्वायर, बीसी कितना है 8 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, हियर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का हो गया 36 और 8 का स्क्वायर 64, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 001, एसी इक्वल टू अंडर रूट में 100। बोलो बेटा साइड करने के लिए क्रॉस साइड करना कितना साइड कर रहा है, ये हमारे पास 100 का परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, तो पहला 1 है तो 1 बन जा 1 हो गया, यहां पे ये हो गया हमारे पास 0, ऊपर से 00 उतरा 1 और यहां पर 2 हो गया। अब यहां क्या लिखा जाए तो ये हो गया 0 लिखा जाए तो यहां भी 0 लिखेंगे, 000 बिकम 0 बन गया, स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया स्क्वायर रूट एसी इक्वल टू 10 मीटर, तो ये सॉरी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिख देंगे यहां पर सेंटीमीटर। बहुत इजी है पाइथागोरस में, यहां भी हमें जो है नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, इनको स्क्वायर रूट को आप आसानी से समझिए देखिए सुनिए। अभी हमारे पास क्या है नेक्स्ट दिया गया इसका एक पोर्शन था, इसमें सेकंड पोर्शन भी है, सेकंड पोर्शन में उसका अलग बोला गया है एसी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दूसरा है यहाँ पर बी एसी के बाद बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड एबी, एबी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, ट्रायंगल में कहीं कोई वो नहीं, अब फिर से हम इसको ये वाला आइडेंटिटी दोबारा लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास जो है एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब जो वैल्यू यहां पर है उनको हम वैल्यू भर देते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है उसकी वैल्यू को कोई जरूरत नहीं भरने की, यहाँ ए सी हो गया यहाँ पर 13 स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड करना है प्लस बी सी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 25 को हम इधर ले आएंगे 169 माइनस 25 ये क्या हो गया ए बी स्क्वायर, 169 में से 25 को जब हम माइनस करेंगे तो 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हमें वी हैव टू फाइंड ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 144। ठीक है बेटा, किसी को भी कोई कहीं भी डाउट है क्योंकि एक एक चीज में क्लियर करते हुए लिख रहा हूं कंफ्यूजन नहीं होगा, आप यहां पर 144 का स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड से ही दिखाऊंगा, पिछली बार मैंने जो प्राइम फैक्टर यूज किया था ये डिवीजन मेथड में अप्लाई कर रहा हूं, 1 का 1 से ये हो गया 0, ऊपर से 44 हो गया ये हो गया 1 प्लस 1 2 और हमारे पास जो है कितनी बार जाएगा 2 बार ले जाते हैं, यहां भी लिखेंगे 2 44 ये हो गया 0, सो AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आसानी से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है बहुत इजी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है एक बार मैं अनम्यूट करता हूं।
और सबसे मैं क्वेरी एक बार ले लेता हूँ, पूछता हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ कहाँ से आ गए, खोल दिया। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट? से यस या नो बेटा, अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ बोलते हो तो। बोलिए बेटा, सब ठीक है? चलिए मैं एक मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं इसमें। यस, ईशान कांडपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ बेटा, आपको पहले तो ये बताइए कि क्वेश्चन सिक्स में और सेवन में कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर। ये आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा बहुत सुंदर। आप एक चीज थोड़ा सा क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? 256 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कोई भी बोल सकता है, पहले आप बताइए उसके बाद। 256 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? यस या नो? यस सर। अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है? 256। हाँ पहले नंबर यूज कर सकते हैं, आप देख के बताइए 256 किसका स्क्वायर है? सर किसका होता है? किसका होता है सर? 18। और कोई बोलना चाह रहा बेटा? कोई और बोलना चाह रहा है इनके आंसर को? चलिए मैं एक और नाम बता रहा हूं, मैं वो बताएंगे। ये अविरल कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? अविरल कुमार, आर्यवीर से पूछ लेते हैं। आर्यवीर, आर्यवीर आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ तो बेटा बताइए क्या 256 परफेक्ट स्क्वायर है? सर हाँ है। अच्छा अच्छा तो ये किसका स्क्वायर है बेटा, जरा बताइए मुझे तो। सर लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ जस्ट चेक फर्स्ट। यस बोलिए। सर वन सेकंड। 256 ये जो है किसका स्क्वायर है? मेरा क्वेश्चन है। हेलो। हाँ यस बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। ध्रुव राजपूत आप भी बोल सकते हैं। सर 16 का है, 256। आप बेटा देखो, आपको देखिए मैं ऐसे कितने भी क्वेश्चन में सॉल्व कर दूं, जब तक आप इसे खुद से प्रयास नहीं करेंगे आप इसकी वैल्यू को बता नहीं पाएंगे। अभी देखिए जब आपको मेन काम नहीं आ रहा, हम एरिया ऑफ स्क्वायर तो बोल दे रहे हैं लेकिन आपको ये स्क्वायर रूट निकालने अभी भी नहीं आ रहा। अब हमारा थोड़ा सा प्रयास मैं कर दूंगा तो मेरा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें इसका मतलब कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं और केवल कुछ लोग हमें लगता है जिनकी वीडियो ऑफ है लिख भी नहीं रहे, क्योंकि अगर वे लिखते इन क्वेश्चंस पे कलम चलाते ना तो उनका माइंड तुरंत काम करता। अभी इसमें 256 का डिवीजन मेथड से देन एंड देयर यहीं पर आप निकाल सकते थे। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं, यहां आपके सामने 256 ये हमने लिखा है, 2 है ये, 1 जा 1, 2 जा 4, 1 बार जाएगा, यहां 1 हो गया, ये 156 आ गया, 11 कितना हो गया यहां पर 2। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ले लेते हैं 6 बार ले आते हैं, 6 जा 36, 3 और 6 टू जा 12, 3 15, तो यहां पर हमारा 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 16। ये 1 से लेकर 20 तक के तो आपको याद भी होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपको याद भी होने चाहिए बेटा, ठीक है? तो yes, एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस सर। चलिए एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि यहां पर 121
लोग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सर 11 सर 11 हाँ ये कुछ भैया बोलना चाह रहे हैं। प्रियांशु जोशी बोलिए। प्रियांशु जोशी सर वही था आप पूछ रहे थे कितने लोग निकाल सकते हैं। अच्छा आप निकाल सकते हैं। यस सर। अच्छा एक और मैं इधर से हमारे भैया है ये बैठे हुए ये रिद्धिकरण कुमावत। रिद्धिकरण आपने सुन पा रहे बेटा? रिद्धिकरण चले गए चलो कोई बात नहीं। तो बीच बीच में बेटा मैं ऐसे आप लोग बाजार क्या होता है ना कि अवेयर करने के लिए जगाने के लिए बीच बीच में मैं एक आध बच्चों से मैं पूछता रहूंगा क्योंकि मुझे भी जो है मालूम चलना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पीडीएफ भी भेजूंगा उनमें आपको प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आप करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बोलेंगे मैं यहाँ पे उन्हें सॉल्व भी कराऊंगा। तो अभी बेटा जो है एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक सॉल्व करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अभी हमारे पास बेटा है क्वेश्चन है और गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है। He wants to plant these in such a way that the number of row and the number of the column remain same। यानी वो जो है 1000 पेड़ पौधों को प्लांट्स को वो जो है प्लांट करना चाह रहा है और वो जो है देखता है कि जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। रो और कॉलम सेम होने चाहिए। And find the minimum number of the plant he need more for this। यानी कि 1000 में क्वेश्चन का मेन सेंस समझिएगा। 1000 में what must be add it become a perfect square। Perfect square तभी होगा ना जब row column same होंगे। तो 1000 में कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ गए? Raise your hand अपने स्क्रीन पर हैंड रेज करिए जो इन क्वेश्चन को समझ गए हैं। टू स्टूडेंट्स ओनली केवल दो स्टूडेंट। 1000 में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए ये हमारा क्वेश्चन है। 1000 में क्या ऐड किया जाए कि इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों और साथ साथ जो मैं काम कर रहा हूँ ये आप करते भी रहिए तब आपको मालूम चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्यों नहीं आप कर पा रहे हो इसे। तो देखे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर हम 6 लिखा है 1000 प्लांट हमारे पास। मान लीजिए अपने ऊपर ही लेते हैं मैं जो है कहीं से नर्सरी से 1000 पौधे लेकर के आया ठीक है 1000 प्लांट लेकर आया। अब इसमें क्या मैं ऐड करूं तो सबसे पहला काम क्या होता है इसे हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यहां हो गया 0 0 0 3 0 है यहां हो गया 10। अब ये हमारे पास 10 है 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 ज्यादा हो गया कितनी बार ले गए 3 बार। तो 3 3 जा क्या हो गया 9 हियर द वैल्यू इज 1 0 0 3 3 यहां हो गया 6। अब यदि मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो 6 2 जाए 12 हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा और यहाँ मैं अगर मैं 1 रखता हूँ तो हम यहाँ पर पहले 1 रखते हैं यहाँ भी 1 रखते हैं तो ये हो गया 61 और ये हो गया हमारा 10 में से 1 माइनस हुआ 9 9 में से 6 गया 3 39। क्वेश्चन 7 है ये कौन सा सॉरी टू से दिस नंबर इज 8 ओके। अब यहाँ पर बेटा ये है कि इसमें हमारे पास ये 31 तक तो ठीक है इसकी वैल्यू 31 से ज्यादा है 31 से ये ज्यादा है तो हमारे पास एक इसका स्क्वायर होगा दिस इज द 32 का स्क्वायर हमें बनाना है। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है भैया कुछ कहना चाह रहे हैं ध्रुव राजपूत बोलो बेटा। ध्रुव भैया बोलिए। सर आपने कहा था कि सर ऐसा होना चाहिए कि हर एक रो में इक्वल आने चाहिए। यस तो सर हम जैसे 1000 है तो फिर 10 इक्वल नहीं आ सकते क्या क्योंकि सर 10 अगर 10 रो होते 10 कॉलम होते तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर 100 ही होते हैं ना। यस सर अगर 100 प्लांट होते तो हम 10 रो बना लेते 10 कॉलम बनाते पूरे पूरे प्लांट हमारे प्लांटेड हो जाते लेकिन यहां पर नंबर ऑफ प्लांट इज 1000। यस सर हां
तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर जो है 31 से ज्यादा है, इसका मतलब 32 के स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितने प्लांट की और जरूरत पड़ेगी। तो 32 का स्क्वायर कैसे होता है, यहाँ हमने लिखा 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 1, 3 3 जा 9, 1, 1, 0, 24। आप देख रहे हैं बच्चों, यानी हमें जो है 1000 प्लांट है और हमें बनाना कितना है 1024 अगर होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या करेंगे 1024 में से 1000 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये हो गया 424। इफ वी एड 24 इन 1000 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि यहां पर दिया गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट्स वी नीड मोर फॉर द दिस, यहां लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट इक्वल टू 24। वो जो है संख्या कितनी होगी 24 प्लांट और उसको चाहिए होगा, तो रो की संख्या भी सेम हो जाएगी और कॉलम की संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूं सबको। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। नो सर, सर मुझे डाउट है। बोलिए सर, बोलिए सर। ये जो आपने अभी सिक्स ऊपर क्वेश्चन अभी करा के आप हटे हैं वो वाला दोबारा समझा दीजिए। ये सिक्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा, इस पे मैंने जो है बाय मिस्टेक सर आपने अभी सिक्स का नंबर जो है सिक्स लिख दिया था। दिस इज अ 8 नंबर क्वेश्चन। किसी को दोबारा बताना है? यस सर। ओके लिसन स्टूडेंट्स, हमारे एक गार्डनर है जिसके पास जो है 1000 पौधे हैं, 1000 को वो जो है प्लांट करना है, लेकिन उसकी कंडीशन दे दी गई है कि जितने नंबर ऑफ रो होने चाहिए उतने ही हमारे कॉलम होने चाहिए। तो रो कॉलम तभी सेम होते हैं जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें कितने प्लांट, मिनिमम कितने प्लांट की से जरूरत होगी, तो कम से कम जो कि देखिए 31 के स्क्वायर से ये वैल्यू कुछ ज्यादा आ रही है, 39 ज्यादा आ रही है, हमने इसका डिविजन में स्क्वायर रूट निकाला। तो अब हमें जो है 31 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा है, इसका मतलब हमें कितने प्लांट जोड़ करके कितना बनाना है, तो इसे हमें 32 का स्क्वायर बनाना है। 32 के स्क्वायर बनाने के लिए कितने प्लांट की जरूरत होगी, तो 1024 में से 1000 को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज अ 24 प्लांट और होते तो ये हमारा क्वेश्चन जो है परफेक्ट जाता। और इसमें नंबर ऑफ रो भी उतने ही होते। जी सर, कलम Is that clear? Okay, sir. Okay. और किसी कुछ पूछना है बेटा? Next question पे बोला है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, अभी दो मिनट मेरे पास है, उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूँ। पहले लिखा है these are 500 children in a school. 500 children है for a PT drill. They had to stand in a such a manner that the number of row is equal to number of the column. अब row column equal होने का मतलब कि वो जो है square होना चाहिए. That's it. अब इसके बाद बोला गया how many children would be left out of the arrangement. बचने के लिए बोला गया है 500 बच्चों को अगर row और column में set कर दिया जाए तो हमें जो है कितने student बच गए, यानी कितने student हटाने पड़ेंगे. तो what must be subtracted? What must be subtracted from 500? It become a perfect square. क्वेश्चन समझ आया? Yes sir. जी सर. 500 में क्या माइनस करेंगे कि हम जो है 500 को परफेक्ट स्क्वायर हम बना देंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें वर्क कोई बता सकता है? और ली सर, हम इसको सर 500 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जितना डिवीजन मेथड से 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर सर जितना बचेगा उसमें 500 रिमाइंडर जो बचेगा, हाँ जो डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर बचेगा वो जो है उसको 500 में से हम माइनस कर लूंगा और जो बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा?
अभी ध्रुव राजपूत जी और लवराज गरिया, आसपास अगर कोई साउंड होता है बेटा तो उसको अपने को म्यूट करते हैं ना, ताकि आपकी आवाज औरों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ध्रुव राजपूत, आप सुन पा रहे हो मुझे? ध्रुव राजपूत बोलिए। सार्थक चिल्लर की आवाज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, टाइम भी हमारा हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने जो है आज दो क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया, और ये लास्ट ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे जैसा मैंने बताया है। सिंपल डिवीजन मेथड निकाले और रिमाइंडर जो बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका आंसर हो। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं कल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। सो स्टूडेंट थैंक यू।